मैं एम गुलरे तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, सर सैद की तमाम उम्र कौम की खिदमत करने में गुजरी। सर सैद ने अपनी आँखों से 1857 सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि उसको करीब से भोगा भी था। गदर की टीस ने सर सैद को मुसलमानों का एक ऐसा लीडर बना डाला जो शादो नादिर ही पैदा होता है। 1857 के गदर की पूरी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर ही थोपी गई और मुसलमानों को हर शोबे में पसमानदा कर दिया गया। लिहाजा सर सैद ने मुसलमानों की तबाह बर्बाद शुदा ज़िंदगी को सहारा देने के लिए हिंदुस्तान से हिजरत करने का इरादा अपने दिल से निकाल दिया और ख़ुद को कौम की खिदमत में पूरी तरह वक्फ कर डाला। सर सैद ने हर मैदान में मुसलमानों की फलाह व बहबूदगी के लिए काम किया, वो चाहे तालीम हो, मज़हब हो, मईशत हो, तहजीब हो, उर्दू ज़बान हो या सियासत हो। लेकिन नाज़रीन, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सर सैद की आखिरी खिदमत क्या थी। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सर सैद ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ऐसा क्या काम किया था जिसको आखिरी खिदमत का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के बुनियाद गुज़ार शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब मुशाहदात व तासुरात में लिखा है, सर सैद की हालत रोज़ बरोज़ गिरती गई। उनकी इसी अलालत और ज़ोफ़ और अंदरूनी तकलीफ़ात के ज़माने में किसी पादरी ने उम्मुहातुल मोमिनीन के नाम से एक रिसाला लिखा जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सख्त हमले किए। सर सैद ने चारपाई पर पड़े पड़े इस रिसाले का जवाब लिखना शुरू किया और अभी आधा भी ख़त्म ना कर चुके थे कि उनकी तकलीफ़ और ज़ोफ़ ने आगे बढ़ने की इजाज़त न दी। इसलिए सर सैद का वो जवाब अधूरा रह गया और सर सैद के इंतकाल के बाद वो अधूरा जवाब अखबारों में छपा था, गालिबन इंस्टीट्यूट गज़ट में मिलेगा और दीगर रिसालों में भी वो छपा और सर सैद की आखिरी खिदमत के नाम से उसको नामज़द किया गया। बहरहाल नाज़रीन, हम देखते हैं कि सर सैद बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए भी इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद कर रहे थे और उनको अपनी सेहत की मुतलक परवाह न थी। इसीलिए तो बरनों की ज़बान ये शेर आने लगता है कि तुम्हें मुर्दा कौन कहता है, तुम जिंदों के ज़िंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ ज़िंदा, तुम्हारी नेकियाँ बाकी। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्बे तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।